हेलो दोस्तों, डीएस बेंजो क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको बताए थे एक बार कि बेंजो ट्यून करने का तरीका बताएंगे। बेस तार, मेन तार, झालर, तीनों चार तारों को मिलाने के तरीके सीखेंगे आज। और क्या बोलते हैं, आपको पिछला वीडियो में बताए थे जिसमें गाना ढूंढने का पूरा ट्रिक बताया था आपको, है ना। तो आज मेन तार को मिलाने की टेक्निक सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको बताए थे एक ट्यूनर आता है पिच लैप करके, है ना, ये पिच लैप को ऑन करना है। तो पिच लैप करके ट्यूनर आ गया दोस्तों। इसमें सब नोटेशन लिखा है, बी है, ए शार्प है, ए है, जी शार्प है, जी है, और एफ शार्प है, एफ है, ई है, डी शार्प है, डी है, सी शार्प है, सी है। तो हमको प्रॉपर अभी सी शार्प में ही रखना है अपनी बेंजो को, है ना। आपको मैं जो कल बताया था परसों वीडियो में, उसमें ये था कि आपको गला कहाँ से मिलना है, तो आपको तो सी में मिलना है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो अगर प्रोग्राम में आप जा रहे हो तो सी शार्प में रखने से जो आपको 12 जगह का स्केल बताया था तो ये काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग सी शार्प में ही सेट करेंगे बेंजो को, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मेन तार है, पूरा उतरा हुआ है, अब इसको सेट करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, ये लकीर जा रहा होगा, ये है ना। दोस्तों परफेक्ट मिल गया, पतला वाला तार है ना, ये थोड़ा उतर जाता है बार बार, आप देखते रहना, ठीक है दोस्तों। ये सबसे अच्छा एफ है पिच लैप करके। एक थोड़ा डिटॉट ट्यूनर भी आता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन वो है ना। और उसके बाद ये मोटा तार अपना बेस का है ना, बेस का भी मिलाएंगे। दोस्तों ये मिल गया दोनों तार। उसके बाद हम झालर मिलाएंगे। आपका बेंजो कितने झालर का आप कमेंट करके बताइए। ये मेरे बेंजो है 4 झालर के है, ठीक है। सबसे फर्स्ट झालर मिलाएंगे अपन। 3 झालर वाला भी होगा आपका बेंजो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे जो ट्रिक्स है उसमें भी मिला सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका 3 झालर वाला होगा तो आप क्या करना, प में मिलाना सबसे पहला वाला झाला, और दूसरा झाला मिलाना सी शार्प में, मतलब स में। उसके बाद मिलाना अब जो तीसरा जो रहेगा आपका, अब ग में मिलाना, फिर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा 4 है वो प में मिलेगा, फिर से प स ग प, ठीक है। तो अभी ये बेंजो मिलाएंगे। अभी ये प कौन सा बढ़ रहा है, जी शार्प बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। अभी मिलाएंगे जी शार्प में झालर को। ठीक है दोस्तों, आप देख ले होंगे आगे हो गए। उसके बाद मिलाएंगे दूसरा नंबर का तार को सी शार्प में। ठीक है दोस्तों, एक अभी मिल गया। ट्यूनर के मदद से मिलाने से तुरंत तुरंत मिल जाएगा दोस्तों, है ना। अब उसके बाद करेंगे ये कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है एफ, तीसरा नंबर जो तार है एफ में मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम मिलाएंगे फिर आखिरी वाला तार, फिर जी शार्प। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट मिल गया। आपको कहीं भी इस जगह से आपको बजाना है ना, तब यही ट्रिक से आप झालर मिला सकते हैं। जैसे आपको जी शार्प से बजाना है
तो जिस हार्प हम अपना बेंजो ट्यून करेंगे आप, तो यही ट्रिक आप लगा सकते हैं, प स ग प, ठीक है। अब कहीं से भी बजाओगे बेंजो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो झालर मिलाने के लिए यही ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।